हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन मैं शिल्पा भोपाल से कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे और फ्रेंड्स मेरे वीडियो की शुरुआत ये प्यारे प्यारे लेंटाना के फ्लावर्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से ये ब्लूम होना स्टार्ट हो गए और ये लाइन्स हैं मैंने सारे लगा के रखे हुए हैं और सभी पर अभी ब्लूमिंग देखिए मेरे बहुत सारे प्लांट्स जो थे जो गर्मियों में सूख भी गए थे वो सारे अब रिवाइव भी होने लगे और कईयों पर तो बहुत अच्छी फ्लारिंग भी स्टार्ट हो गई है तो इस बार मेरे गर्मियों में मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण बहुत सारे बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ कुछ एक प्लांट्स जो हैं वो मेरे सर्वाइव भी नहीं कर पाए तो मेरे कुछ गुलाब के पौधे हैं और हिबिस्कस के तीन चार पौधे हैं जिनके जाने का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है बाकी तो सारे प्लांट्स अभी अच्छे रिवाइव कर गए हैं देखिए आज ये हिबिस्कस का एक प्यारा था फ्लावर ब्लूम हुआ है वैसे तो आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ पे चिड़िया जो है वो अभी तक अभी तक वही हाल है कि बिल्कुल भी कलियाँ नहीं रहने देती आज ही मैंने सारी कलियाँ तोड़ी हैं जो मेरी चिड़िया आधी आधी खा कर चली गई हैं तो अब पहला ही फ्लावर ये अभी बहुत दिनों के बाद एक ऐसा हुआ है जो मेरे यहाँ पर ब्लूम किया है इस तरफ टिकोमा वगैरह पे भी काफ़ी अच्छी अभी फ्लारिंग होना स्टार्ट हो गई है देख सकते हैं आप बहुत सारी कलियाँ भरी हैं और ये टेक्सास रेंजर के प्लांट में बहुत ही जल्द एक या दो दिन में पूरी फुल ब्लूमिंग इस पर हो जाएगी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी हर ब्रांच के ऊपर ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हैं तो ये तो इसका मेन सीज़न ही होता है ब्लूम करने का तो अभी गार्डन में ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ ब्लूमिंग है नहीं जो मैं आपको दिखाऊँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी अब सेटिंग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पूरा गार्डन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाई हूँ लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने अपना गार्डन सेट किया है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ और देखिए ये एक्लिफा भी मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लांट है इसकी इतनी सुंदर दिखते हैं ये फ्लावर्स और इसकी मैंने तीन चार कटिंग्स भी लगा ली हैं क्योंकि मैं इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहती हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये भी बहुत सुंदर बहुत हार्डी प्लांट होता है ये और अभी से लेके ही अब ठंडियों तक तो पूरा ब्लूम करते ही रहेगा और अभी टिकोमा पे भी ढेर सारी कलियाँ आ गई है मेरे यहाँ पे टिकोमा जो है वो थोड़ा सा लेट ब्लूम होना स्टार्ट होता है तो अब ये बारिशों में जो ब्लूम होना स्टार्ट अभी बहुत अच्छी भर के तो ब्लूमिंग नहीं आई है इस पर बहुत जल्दी ये भी पूरी तरीके से फ्लावर से भर जाएंगे और यहाँ पे देखिए मधु मालती के भी प्लांट्स जो हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से घने हो गए और मैं इनकी लगातार लगातार पिंचिंग करती रहती हूँ जिससे कि इसमें बहुत सारी ब्रांचेज जो हैं वो डेवलप हो रही हैं बहुत जल्दी इनकी मेरे को फ्लारिंग का इंतज़ार है एक ये वाली वैरायटी है मेरे पास और एक और ये वैरायटी है तो अब देखते हैं इस पर जब ब्लूमिंग होगी और एक अंधराज में भी थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो रही है तो इसमें मैं माइक्रोन्यूट्रियट्स डालूँगी और यहाँ पर देखिए सुंदर सुंदर फ्लावर यहाँ पे भी खिलने स्टार्ट हो गए हैं तो इसमें मेरा दो प्लांट लगे हुए हैं थम्बरजिया की भी इसी में वाइन लगी हुई है और ये अपने आप सेल्फ सीडलिंग से ये वाला भी मोरपंखी का भी जो प्लांट है ये जर्मिनेट हो गया था तो देखते हैं अब कि कैसे क्या दोनों मिलकर ग्रोथ करते पर इस पर तो अभी बहुत सुंदर फ्लारिंग हो रही है तो अभी बहुत ऐसा कुछ है नहीं गार्डन में दिखाने के लिए मैं आपको प्लांट्स ज़्यादा नहीं दिखा रही हो चलिए आपको मैं सेटिंग दिखाती हूँ अपने गार्डन की जो मैंने अभी चेंज की है मोगरे पर भी बहुत अच्छी फ्लारिंग हो रही है और ये देखिए कितने सुंदर रोज आज खिले हैं रोज का इस बार मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और इधर मैं आपको दिखा दूं तो मेरी ढेर सारी जो कटिंग्स हैं वो शेवंती की लगा दी हैं मैंने काफी कुछ कप्स में भी शिफ्ट कर दी हैं। ये पीछे देख सकते हैं आप सारी मैंने शेवंती की जो कटिंग्स हैं ये लगा ली हैं तो अभी इनका भी धीरे धीरे इनके ऊपर भी काम चल रहा है वाइट कलर के कनेर मेरे अब खिलने लग गए हैं और बाकी इनकी मैंने हा प्रूनिंग कर दी थी अगले साल से अब मैं इतनी ज़्यादा इनकी प्रूनिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धीरे ग्रो करते हैं फिर अब देखिए इस पर अभी फ्लारिंग होना स्टार्ट हो रही है कलियाँ तो बहुत बन गई हैं हालाँकि पौधा तो अच्छे घने हो गए मेरे लेकिन बहुत ही ज़्यादा फिर इनके ऊपर ना स्लो ग्रोथ होती है इसीलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी अब इधर मैंने अपने सारे ही बोगन वीलियाँ जो हैं वो एक स्टैंड पे रख दिए हैं और बहुत जल्द इनमें पूरी तरीके से ब्लूमिंग होने वाली है ये देखिए जैसे कि ये पत्ते दिख रहे हैं तो ये सारे पत्ते दिखना नहीं दिखेंगे सिर्फ इस तरीके से फ्लार ही फ्लार दिखेंगे और आप देखिए इस प्लांट की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हुई है अब इसके ऊपर जब पूरे फ्लावार भर के खिलेंगे तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है और यहाँ पे देखिए येल्लो पर भी बहुत अच्छी अभी वैसे फ्लॉरिंग चल रही है ये देख सकते हैं आप तो ये सारे ही अभी मेरे फ्लॉरिंग पे आने वाले हैं प्लांट्स और यही मेरे यहाँ पे दो बार सीज़न में जो बोगनविलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लूम करते हैं बहुत एक्सट्रीम गर्मियों में हालांकि मेरे यहाँ पे ब्लूम नहीं करते हैं अभी एक इस टाइम पे बारिशों के टाइम पे बहुत अच्छा एक बार ब्लूम करके जाएंगे और फिर उसके बाद ठंडियों में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एक बार ये ब्लूम करते हैं बाकी ये मेरा मुसांडा का प्लांट और और ये बीच की सेटिंग मैंने आज ही कुछ ऐसे ही बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही थी तो थोड़ी बहुत मैंने सफाई करके ऐसे ही रैंडमली सजाया तो है देखिए अब कैसा दिखता है ये समय के साथ साथ यहाँ की सेटिंग्स जो है वो मैं चेंज करती रहूँगी जो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी और ये कैमल जी के ऊपर आप देखिए ये कलर इस कलर के फ्लावर्स कितने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्रटी ये कलर इस टाइम पर इतना ज़्यादा खुल के दिख रहा है गार्डन में बहुत प्यारा लग रहा है और ये देखिए यहाँ पे मैंने ना बास्केट्स जो मेरे टब हैं उनमें देखिए मैंने इस तरीके से पूरे ही अपने जो ये कहना फिर इसका इसकी सीड्स हैं वो मेरे यहाँ पे इस बार इतनी ज़्यादा डिस्पर्स हो के हर जगह मतलब इतने हद से ज़्यादा मेरे यहाँ पे प्लांट्स निकल रहे हैं तो मैंने इनको इस तरीके से कैरेट्स में लगा दिया है और ये इस तरीके से क्रेड्स में एक साथ जब ब्लूम करेंगे इसके फ्लावर्स तो बहुत अच्छे दिखेंगे और मैं साथ साथ इसकी बहुत ही ज़्यादा पेंचिंग भी कर रही हूँ जिससे कि जो ये प्लांट है वो बहुत ज़्यादा बुशी हो जाए और ये देखिए येलो कलर भी कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है इसी तरीके से सेम मैंने ये देखिए यहाँ पर भी इस तरफ रख दिए हैं और ये बहुत ही अच्छे आप देख सकते हैं सिर्फ दो प्लांट हैं और कितने ज़्यादा बुशी हो गए तो मैं इनको बार बार ही देखिए इस तरीके से अगर मैं आप इसको पिंच करते रहेंगे बहुत सारी इसके अंदर जो है वो ब्रांचेस निकलती जाएंगी और प्लांट जो है हमारा वो इतने ज़्यादा फ्लार देगा क्योंकि क्या होता है कैनाफी का जो प्लांट होता है वो ना एकदम लंबा लंबा ग्रो होता है तो लंबे लंबे में क्या होता है फिर वो देखने में भी फ्लावर्स लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था मैंने बहुत ज्यादा पिंचिंग इसकी नहीं करी थी तो बहुत लंबे लंबे ये प्लांट्स ग्रो हुए थे और फिर ना वो फ्लावर्स देखने में भी हमको इतने ज्यादा सुंदर नहीं लगते क्योंकि हम बहुत ऊपर तक नहीं देख पाते हैं उनको तो इस बार मैंने देखा करके तो देखा है अब देखते हैं इसका रिजल्ट मुझे कैसा क्या मिलता है जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ज्यादा फ्लावर्स तो जरूर लगेंगे और ये बहुत ही ज्यादा हार्डी प्लांट होता है तो ये आपके गार्डन में जरूर ऐड करिए एक बार ही ऐड करने पे आपको ये इसके बाद आपको जीवन भर इसके प्लांट्स की कोई लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमेशा इसके प्लांट्स जो है वो अपने आप ही जंगल जैसे लग जाते हैं और ये देखिए ये जो मैंने विशिंग वेल बनाया था ये मैंने कुछ इस तरह तरीके से यहाँ पे अभी रख दिया है और पीछे अभी आपको काफ़ी कुछ मैस भी दिख रहा होगा लेकिन वो मैं धीरे धीरे करके सब अवेयर दूंगी अभी मेरा चूँकि मेरी हेल्थ के कारण मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ गार्डन में फिर भी मेरे से जितना बन रहा है उस हिसाब से मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ तो ये वेल विशिंग वेल कहीं और रखने की मेरे को जगह नहीं मिल रही थी तो इस तरीके से मैंने अभी इसको बीच में सेट कर दिया है और वैसे पता नहीं ये कैमरे में इतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं लेकिन वैसे देखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है और इसमें जो ये फ्लावर्स हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं इसमें मैं कुछ एक येलो फ्लावर्स और लगा दूंगी तो रेड में येलो और ज़्यादा पॉपअप होके दिखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ एक हैंगिंग प्लांटर्स लटका दिए है ऐसे ही ये बुद्धा जी का भी जो आइडल है ये मेरा ऐसे ही प्लांटर रखा हुआ था तो अभी मैंने इसको फ़िलहाल में तो यहीं रख दिया है अब देखते हैं धीरे धीरे करके मैं इसको कहाँ सेट करूँगी और ये देखिए मेरी बाईसा वाला कॉर्नर इतना इतना ज्यादा प्रिटी दिख रहा है ये इस टाइम पे इतना ज्यादा प्रिटी दिख रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती स्टार्टिंग हम यहां से करते हैं ये कुछ दो आ, मैंने रैबिट प्लांटर्स यहाँ पे रख दिए हैं इसके बाद जो ये मेरी फर्स्ट रो है ये मैंने कुछ पिंक येलो पिंक येलो के कॉम्बिनेशन में रखी है जो मैंने फ़र्स्ट रो पूरी यहाँ पे लगा के रखी है और आप देख सकते हैं कितने ही ज़्यादा सुंदर ये फ्लावर्स दिख रहे हैं तो ये जो पिंक और येलो का कॉम्बिनेशन होता है देसी और देखिए वैसे तो मेरे पास अभी बहुत सारे कलर्स है ना पॉचुला का और पर्सलेन के हो गए हैं लेकिन मुझे कलर से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कलेक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए मुझे यह रहता है कि बस फ्लावर बहुत ज़्यादा खिलने चाहिए तो मुझे बेसिकली तो ये जो पिंक और येलो कलर होता है यही सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है और देखिए ना आप कितने ज्यादा सुंदर ये दिख रहे हैं इसके बाद की जो लाइन है ये अभी बारिश कुछ ऐसी है कि अभी खिले नहीं है बहुत तेज हमारे यहाँ पे कंटिन्यूसली दो दिन से बारिश गिर रही है अभी बस थोड़ा सा मौसम खुला है तो ये डार्क रेड कलर है इसके बाद ये आप देखिए ये भी बहुत ही सुंदर वेलवेटी सा मजंटा कलर है बहुत ही प्यारा और देखिए बारिश है दो दिन से इतनी ज़्यादा है कि प्लांट भी थोड़े से अब गलने से लग गए और ये जो हाइब्रिड वाले होते हैं ये बहुत जल्दी प्लांट हमारे खराब हो जाते हैं तो ये देखिए मैंने इसकी हालांकि का, काफी जगह पे कटिंग्स भी लगा ली हैं तो इस तरीके से हमें ये ना हमारे फ्लावर्स जो हैं स्पेंट ये भी हटा देने चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी गल के हमारे प्लांट को खराब कर देते हैं तो देखिए ये भी कितना सुंदर सा कलर है और ये येलो तो आज खिला हुआ पूरी तरीके से नहीं है मैं इसका कहीं आपको साइड में है ना इसकी पिक डाल दूंगी पूरी तरीके से जब ये कवर हो गया था अभी एक दो दिन पहले इतना ज्यादा सुंदर दिख रहा था ये और ये देखिए ये व्हाइट कलर आज ये भी खिला हुआ नहीं है बारिश ने अति बारिश गिरने से भी हमारे प्लांट्स परेशान हो जाते हैं तो ये भी थोड़ा सा बारिश के कारण गल सा गया है ये प्लांट भी फिर इसके बाद की जो मैंने ये एक लाइन लगाई है ये पूरी ही इस कलर के मेरे फ्लावर इस कलर के प्लांट्स की है तो ये पूरी जब लाइन एक साथ एक जैसे कलर में खिलेगी अभी तो इसमें फ्लावर नहीं है तो जब खिलेगी तो ये लाइन बहुत सुंदर दिखने वाली है फिर ये वाली जो लाइन है इसमें कुछ मिक्स कलर्स ही हैं कहीं वाइट है देखिए वाइट है कहीं कुछ कलर्स हैं इस पर मैंने ऐसा सोच के नहीं लगाया था कहीं पिंक भी है तो ये भी अभी पूरी तरीके से नहीं खुले क्योंकि बारिश ही बहुत ज़्यादा तेज है ये देखिए ये पिंक कलर कितना ही ज़्यादा है आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा पर यह वाइट नहीं है ये पिंक कलर है इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये लाइट बेबी पिंक फिर सबसे ऊपर मेरा सबसे फेवरेट मजंटा कलर देखिए आप ये कितने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं इनकी तो कहीं खूबसूरती की कोई बराबरी ही नहीं है ये देखिए पूरी एक तो खिलते भी बहुत ज़्यादा हैं और दिखते भी बहुत सुंदर हैं ये इधर मेरी बाईसा ये कुछ एक कलर मेरे ये देखिए ये भी एक अलग सा कलर है ये भी एक डिफरेंट सा कलर है तो यहाँ पे ये दूर से और यहाँ ऊपर भी मैंने कुछ वाइट और पिंक ऐसे ही लगा दिए तो कुल मिला के जो है ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये अभी पूरे गार्डन में सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहा है देखिए आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये ये देखिए आप बहुत ज़्यादा सुंदर इस टाइम पे ये फ्लावर्स खिले हुए और बीच की भी अभी जो दो रो हैं ये और खिल जाएंगी तो फिर तो ये जो गार्डन है ये वाला कॉर्नर है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने वाला है फिर इसके बाद देखा जाए तो इस कॉर्नर इसके जस्ट बगल में देखिए ये मेरा ये कॉर्नर है और इसके जस्ट बगल की जो ये मेरी रो है इसमें मैंने कुछ लाइन से यहाँ पे देखिए ये एनवल वरबीना लगा दिया है ये अभी इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है बाकी ये लाइन से मेरे सारे पर्पल वाइट और मजेंटा कलर के मैंने लाइन से एनअल वरबीना जो है ये लगा दिए हैं और फिर इसके ऊपर यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ मेरा टिकोमा रखा हुआ है यहाँ पे ये डे लिली में भी कंटिन्यूसली ये बीच बीच में फ्लारिंग कर कर ही रहा है ये प्लांट ये मेरा मैक्सिकन हेथर का प्लांट हमीलिया और देखिए टिकोमा पे भी यह फ्लारिंग होने लग गई है जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी गर्मी में तो मेरे यहाँ पे इनमें फ्लारिंग नहीं होती है अब ये जो बारिश का सीज़न आ रहा है इसमें ये पूरा भर भर के मुझे फ्लारिंग देगा और ये देखिए ये मैंने बहुत सारे मल्टी कलर का ये एक हैंगिंग ऐसे ही बना लिया था और ये इतना सुंदर दिख रहा है अभी तो ये बहुत बड़ी बड़ी डंडियाँ हो गई हैं तो इनकी मैं कटिंग करते जाऊँगी तो जिससे कि ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और फिर देखने में ये बहुत सुंदर दिखेगा तो इसमें मेरे पास जितने भी कलर्स थे तकरीबन सारे ही कलर्स इसमें मैंने लगा दिए देखिए ये भी एक कलर है मल्टी आ, पिंक में शेडेड सा है तो काफ़ी कुछ कलर्स तो अभी मेरे खिले भी नहीं है देखिए ये सिंड्रेला वैरायटी तो कल, आ, प्लांट्स बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगा जब ये पूरी तरीके से घना हो जाएगा फिर यहाँ पे कुछ हिबिस्कस के प्लांट्स मैंने रख दिए हैं और यहाँ पे भी मेरे जो सीजनल प्लांट्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं कॉस्मोस में बहुत अच्छी फ्लारिंग चल रही है ये पिंक पिंक कलर का मेरा मैक्सिकन uh, पिटूनिया इसमें भी बहुत सारी फ्लारिंग होती है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दो दिन से कंटिन्यूस मतलब बहुत ही हैवी वाली रेनफॉल हमारे यहाँ हो रही है इसीलिए अभी काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो फ्लारिंग पे भी नहीं है अदरवाइज़ ये अभी इस टाइम पर पूरे फ्लारिंग से जो प्लांट्स हैं वो भरे रहते हैं और देखिए ये डेजी मजंटा कलर में इसमें का मेरे पास एक रेड कलर भी है और एक वाइट कलर भी है पर अभी उनमें ब्लूमिंग नहीं हुई है और ये पिट पेंटास जो हैं ये भी बारिश के कारण अभी थोड़े से अपसेट हैं पर एक आध हाँ दिन में अच्छे हो जाएंगे फिर से ये नॉर्मल तो ये इस तरीके से है यहाँ पे कुछ रजनीगंधा और फिर यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरा पौंड वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है पॉन्ड वाले एरिया में भी अभी मैंने ऐसा बहुत कुछ खास तो नहीं किया है लेकिन ये जो डक्स हैं इनके अंदर जब ये फ्लावर्स मैंने बहुत सारे मल्टी कलर के लगा दिए हैं ये ऑफिस टाइम के तो जब ये ब्लूम करते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं एक ही पॉट में कम से कम पाँच छः कलर के मैंने फ़्लावर्स जो हैं वो डंडियाँ इनकी लगा दी थी तो बहुत सुंदर तरीके से ये ब्लूम करते हैं और ये देखिए बारिश के कारण मेरे ये सारे कल बहुत तेज बारिश हुई थी तो ये सब टूट टूट के गिर भी गए मेरे गमले तो ये सब भी मुझे सेट करने पड़ेंगे इधर भी मैंने कुछ ऐसे ही अपने ऑफिस टाइम के ही प्लांट्स रख दिए हैं तो जब ब्लूम करेंगे तब सुंदर दिखेंगे फुल ब्लूमिंग पे आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूंगी देखिए बारिश के कारण पूरे प्लांट्स भी आड़े तिरछे हो गए और यहाँ पे और ये यह देखिए यहाँ पे मेरा ना पोटैटो वाइन लगा हुआ है तो इसमें मुझे ये ग्रीन कलर का भी ऐड करना है तो ग्रीन और वाइन कलर का मिलके जब लगाऊंगी तो बहुत सुंदर दिखेगा ऐसे यहाँ पे कुछ एक मैंने ये ऑफिस टाइम के जो हैं प्लांटर्स हैं वो हैंग कर दिए हैं और उसी तरीके से मेरा ये देखिए एक और प्लांटर है जो काफ़ी घना हो चुका है तो इसमें भी जो फ्लारिंग होगी तो बहुत सुंदर दिखेगा और आप ये देखिए मेरा सलेशिया का प्लांट कितना सुंदर दिख रहा है ये इतनी सुंदर तरीके से ग्रो करता है इसकी बस एक डंडी आप कहीं लगा दीजिए और ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये है। हैंग होते चले जा रहा है मैंने यहाँ पर इसका सिर्फ पॉट रखा हुआ है और आप देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये अभी इस टाइम पे बस मुझे ना बोगन वीलिया के पूरे ब्लूम होने का बहुत इंतज़ार है बहुत सुंदर तरीके से मेरे यहाँ के बोगन वीलिया जो हैं वो ब्लूम करने वाले हैं और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया अभी काफ़ी सारा काम मेरे गार्डन में मेरा बचा हुआ है ये सारे ही सारी चीज़ें मुझे समेटनी है अभी सिर्फ मैंने एक मोटे मोटे तौर पे आप लोगों को दिखाया कि गार्डन में क्या चल रहा है और देखिए बादल फिर से बहुत काले हो रहे हैं बहुत तेज़ बारिश फिर से गिरने वाली है वैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलते जाता है वैसे वैसे काम करना पड़ता है और देखिए यहाँ पे ये मेरे चंपा के जो प्लांट्स हैं ये मैंने अपने ये बाइसा वाले कॉर्नर पे देखिए एक प्लांट मैंने इधर रख दिया है और ये मैंने जो अभी सेटिंग चेंज करी उसमें ये वाला रेड वाला मैंने इस तरफ रख दिया है तो अब इस पर बहुत अच्छी ब्लूमिंग का टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा है और मेरा ये जेड प्लांट भी फुल बारिश में रखा रहता है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी चल रहा है तो जैसे जैसे टाइम मिलता है बारिश रुकती है ऑफिस भी रहता है तो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से गार्डन में मैं अभी काम कर रही हूँ उस तरफ़ का पोर्शन मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पर मैसी पड़ा हुआ है तो वो भी धीरे धीरे आगे चल के वैसे ही मैं सफाई करूँगी तो वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर और ये जो पैशन फ्लावर की बेल है इस पर इतनी चीटियां हो जाती हैं पर ये कंटिन्यूसली मुझे इस साल फ्लॉरिंग दे रहा है और देखिए अभी भी एक ही ब्रांच के ऊपर तीन, तीन तीन चार चार कलियाँ बन गई हैं ये देखिए यहाँ पे भी तीन चार कलियाँ बनी हैं पर इसमें बहुत ज़्यादा चीटियाँ हो जाती हैं बहुत सुंदर फ्लारिंग पे ये इस साल मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फ्लारिंग दे रहा है और ये देखिए बेबी सन रोज की भी मैंने ये तीन चार कैरक्रेड्स में लगा दिया है इसको हैंगिंग प्लांटर्स में और बहुत जल्दी इस पर भी फ्लारिंग स्टार्ट हो जाएगी ये मेरे लास्ट ईयर के ही प्लांट है बाकी ये जो मैंने पॉन्सिटिया वगैरह हैं वो मेरे कटिंग वटिंग से भी चल रहे हैं वही सारे प्लांट्स हैं लीली वगैरह रखी हुई है इधर तो बाकी तो ऐसा बहुत कुछ है नहीं अभी गार्डन में दिखाने के लिए जैसे जैसे सफाई करते जाऊंगी हाँ और ये देखिए ये तो मैं दिखाना ही भूल गई ये देखिए इसमें टिकोमा की वाइन पे भी मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी इस टाइम पे ब्लूमिंग चल रही है रोज के आठ दस आठ दस फ्लावर्स जो हैं वो स्पेंट हो नीचे गिरे ही रहते हैं बहुत सुंदर इस टाइम पे ये भी मुझे ब्लूम दे रहा है क्लिमिटिस की वाइन पे भी धीरे धीरे करके आ, क्योंकि गर्मियों में इसकी भी केयर नहीं हुई है तो ये जितना चाहिए उतना तो ये ग्रो नहीं हो पाया है अच्छी तरीके से मेरा पिछले तीन साल पहले का ये प्लांट है पर इसमें भी अभी बहुत जल्दी ही फ्लारिंग स्टार्ट हो जाए ये देखिए ये भी एक शेड है सुंदर सा ऐसे काफी सारे शेड के अलग अलग प्लांट्स हैं मेरे पास भी पॉर्चुला का और पर्सलेन के और ये देखिए लिली भी अब धीरे धीरे करके ब्लूम हो ही रही है देखिए इसमें भी मैंने मल्टी कलर के लगाए हैं तो सुंदर सुंदर कलर हैं पॉर्चुला का और पर्सलेन तो बस फ्रेंड्स ये छोटा सा अपडेट था जो गार्डन की सेटिंग्स में चेंज कर रही हूँ वो धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी अगर आप लोगों को मेरा आज का गार्डन अपडेट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा धीरे धीरे करके आप लोगों को मेरे गार्डन में और भी बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा जल्दी किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फ्रेंड्स तब तक ले बाय टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग